नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। बड़ी खबर में आज बात सूबे की ऑनलाइन खट्टर सरकार की। ट्विटर पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शाम 4 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन रहे, लोगों की समस्याएं जानी, जवाब दिए और कोशिश की जनता की तकलीफें जानने की। चुनिंदा सवाल, चुनिंदा जवाब। इसके अलावा इस घंटे में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला जिससे आम आदमी का भला हो सके। बड़ी खबर में आज ऑनलाइन सीएम की उसी ऑफलाइन जनता की बात करेंगे जिसे राशन और दवाई की लाइन के अलावा कोई लाइन शायद ही समझ आती हो। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीते एक साल में सीएम विंडो से लेकर डैशबोर्ड तक सीएम खट्टर ने कई योजनाएं लॉन्च की। शुरुआत में फायदा होने का दावा हुआ लेकिन आज हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले 4 से 5 एक घंटे की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको। न विंडो काम आई, न दरबार में हुआ भला। सिस्टम का सतम झेलती लाचार जनता को कैसे मिलेगा सीएम के ऑनलाइन होने का फायदा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्विटर पर 4 से 5 एक घंटे ऑनलाइन रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भले ही चुनिंदा सवालों के जवाब और समस्याओं के समाधान सुझा दिए हों, लेकिन ऑनलाइन सीएम के ऑफलाइन सूबे को नीली चिड़िया का सहारा कैसे मिलेगा, ये सवाल अभी भी जवाब की तलाश में है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। बिजली, पानी, बस स्टैंड, सड़क परिवहन, चालान और तमाम समस्याएं लोगों ने अपने रहनुमा को बताई। कुछ लोगों ने सरकार की पीठ थपथपाई तो कुछ ने सवाल भी उठाए, लेकिन उन लाखों करोड़ों बेबस और मजबूर लोगों की शिकायतों का क्या जो फाइलों में दबी है, जो सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर ठोकर खा रही है, जिनके घर बिजली का उजाला नहीं, वो क्या जाने क्या है इंटरनेट और क्या है ट्विटर। आवाम को ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं राशन की लाइन, शिकायतों की लाइन, मजबूरी की लाइन और बेबसी की लाइन नजर आती है। लगभग 1.5 साल पुरानी बीजेपी सरकार ने 1 साल के भीतर शिकायतों के लिए सीएम विंडो, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए हर समय वेब पोर्टल, डैशबोर्ड, महिला थाने जैसे कई योजनाएं लॉन्च की, लेकिन ये तमाम योजनाएं सिर्फ कागजी साबित हुई। सीएम विंडो पर बीते 1 साल में 2201 शिकायतें आई लेकिन समाधान सिर्फ 852 शिकायतों का ही हुआ। महिला थानों में पीड़ितों के साथ जांच अधिकारियों की संवेदनहीनता की तस्वीरें साइबर सिटी गुड़गांव में देखने को मिली। इन हालातों में कैसे मिलेगा इंसाफ, ये भी एक बड़ा सवाल है। बात करें सीएम के ट्विटर प्लान की तो हरियाणा में कुल गांवों की संख्या 6500 के करीब है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की जनता इंटरनेट की दुनिया से महरूम है। पिछड़ी आबादी ट्विटर तक कैसे पहुंचेगी? सरकार की तमाम तरकीबें नाकामी की घाट चढ़ती दिख रही हैं, योजनाएं विफल हो रही हैं, इसका सबूत ट्विटर पर भी देखने को मिला। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ऑफलाइन जनता को सीएम की इस ऑनलाइन सुविधा का क्या फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जनता को इससे क्या फायदा होगा इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख पहले करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सुखबीर बादल की मुलाकात हुई है। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। ये कहा गया है कि जो भारत पाकिस्तान सीमा है उस पे सुरक्षा बढ़ाई जाए, बीएसएफ की तैनाती इस पर और ज्यादा की जाए। पठानकोट हमले को लेकर चर्चा गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की गई। ये कहा गया कि जरूरत है इस बात की कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जाए। पठानकोट में जो तरीके से हमला आतंकियों ने किया उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अनिल मोर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हैं। अनिल मोर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात जो हुई, क्या कुछ उस मुलाकात में चर्चा की गई? देखिए, 15 तारीख की चेंबर
सुखबीर सिंह बादल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और काफी अहम ये मुलाकात हुई है, क्योंकि जो पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं जो अगर पंजाब बॉर्डर की बात करें, जो पंजाब की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई उस सीमा को लेकर कहीं ना कहीं जो घुसपैठ है वो मुद्दा इन दिनों काफी तूल पकड़ रहा है। इसी को लेकर ये मुलाकात की गई है। सुखबीर सिंह बादल ने गृह मंत्री से सबसे पहले यही मांग की है कि जो पाकिस्तान से पंजाब की सटी हुई सीमा है वहां से जो घुसपैठ होते, चाहे वो जितने भी ड्रग्स स्मगलर आते हो चाहे वो आतंकी आते हैं, इसको लेकर वहां पर बीएसएफ के जो तैनाती है उस तैनाती को बढ़ा दिया जाए, जो गश्त वहां पर होती है उसको बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा कई अहम बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की गई है। कहीं ना कहीं जो एक बड़ा आतंकी हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ था उसके लेकर कहीं ना कहीं जो पंजाब की जो सीमा थी उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की भी बात करें, विपक्ष इसको लगातार निशाना बनाता रहता है कि जो पंजाब की सीमा वो इतनी सुरक्षित नहीं है, चाहे आतंकवादियों की बात करें चाहे हम ड्रग्स स्मगलरों की बात करें, ड्रग्स का भी बड़े बड़े रैकेटों का वहां पर खुलासा हुआ। इसी को लेकर यहाँ पर काफी बातचीत की गई, गृह मंत्री से बातचीत की है, डिप्टी सीएम और कहना कि गृह मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है सुखबीर बादल को। चलिए बेहद शुक्रिया आपका एनालिस्ट तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की मुलाकात होती है। सुरक्षा बढ़ाने की मांग भारत पाकिस्तान सीमा पर की जाती है और पूरा भरोसा इस बात का गृह मंत्री देते हैं कि इस पर जरूर अमल किया जाएगा, सुरक्षा का ध्यान जरूर रखा जाएगा ताकि आगे इस तरीके के आतंकी हमलों को होने से रोका जाए। और अब वापस बड़ी खबर में अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सीएम आज ऑनलाइन रहे, उन्होंने कोशिश की कि लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उनका निपटारा हो सके, लेकिन इससे पहले भी तमाम ऐसे जो चीजें कार्यक्रम थे चलाए गए थे सरकार द्वारा कि लोगों की परेशानियों को जाना जाए, अमल किया जाए और हल किया जाए, लेकिन क्या वो सब कुछ फ्लॉप हो गया है, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित नेहरा जी हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी, क्या अब ये समझा जाए कि पहले जैसे कि हम देख रहे थे सीएम विंडो के जरिए शिकायतों को सुना जाता था और तमाम जो दूसरी तरीके थे सरकार के कि लोगों की समस्याओं को सुने, क्या उस सब से बात नहीं बन पा रही, या फिर उस सबकी शिकायतें सुन के निपटारा करने के बाद अब ट्विटर के जरिए भी सुनी जा रही है शिकायतें? देखिये प्रतिमा जी, आज का युग जो है ये सोशल मीडिया का युग है, ठीक है ना, और सोशल मीडिया को एक तरफ रख दें, मास मीडिया की तरफ अगर आए जिसमें अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, यानी कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है। रैली को देख लीजिए मासेस के कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है। तो ऐसे में तो ये कहना कि ये कदम कैसा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये स्वागत योग्य कदम है ट्विटर पे आना मुख्यमंत्री का। हर संचार का जो साधन है वो प्रयोग में लाना चाहिए, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है ना, सुनिए आगे सुनिए। लेकिन बात जो पते की है कि आप ट्विटर पे आए तो समाधान क्या किया आपने लोगों की समस्याओं का? देखिए पहली बात तो इसमें ये है कि पहले तो सीएम को खुद ये पता चले कि समस्याएं कितनी हैं और क्या हैं, ठीक है ना, उसके बाद दोबारा जो सेशन हो ट्विटर पे तो उसमें समाधान का जिक्र छेड़ना चाहिए। देखिए हम पहले सुनते आए हैं कि जहांगीरी घंटे के बारे में, ठीक है ना, जो महाराजा जहांगीर थे तो उन्होंने एक घंटा बंधवाया हुआ था अपने महल में, कोई फरियादी होता था तो बाहर से अगर घंटा खींच देता था रस्सी तो उनको पता चल जाता है किसी को तकलीफ है, तो उसकी बात सुनते थे। तो हम कहेंगे कि एक तरह से जहांगीरी घंटा है जो ट्विटर का प्रयोग है। देखिए हमने बात की कि 6500 गांव है हरियाणा में, हालांकि थोड़ा सा सोच में बदलाव आया है, क्रांति हुई है संचार की, गांव में भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं खासकर हमारे नवयुवक। और इसके साथ साथ क्या है कि जो शहरी आबादी है वो भी कम नहीं है हरियाणा में, तो उनको भी सीएम से रूबरू होने का एक मौका मिलता है। उनको मौका जरूर मिला लेकिन बहुत सी इसमें हम देख रहे हैं खामियां भी देखने को मिली हैं। आपके पास आऊंगे लेकिन हमारे पास इसके पहले डॉक्टर पवन सैनी जी बीजेपी से विधायक जुड़ गए फोन लाइन पर। पवन जी नमस्कार। पवन जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? पवन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? पवन जी आप सुन पा रहे हैं?
चलिए पवन जी, तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन अमित जी आपके पास अब आऊंगी, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है जो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर बिजली तक नहीं है, इंटरनेट तो आप भूल ही जाइए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आपने सीएम विंडो की शुरुआत की, वहां पर आज तक कितनी शिकायतें ऐसी हैं हजारों की तादाद में जो पेंडिंग पड़ी है, जिन पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है, सुनवाई तक नहीं हुई है, आखिर उनको पहले सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए था। आप एक और प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की शिकायतें तो सुन रहे हैं, लेकिन जो पहली वाली शिकायतें हैं उनका कब समाधान होगा? प्रतिमा जी, मैं ना तो सीएम साहब का ऑफिशियल स्पोक्समैन हूं, मैं तो एक पत्रकार की दृष्टि से ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ सीएम विंडो के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए सीएम को, ठीक है ना। उसमें मान लिया अगर 1 लाख शिकायतें आई हैं तो 1000 का तो निपटारा हुआ ही होगा, ये बात तो मानते हैं। इसी तरह आप ट्विटर की बात लीजिए, अगर मान लिया 5000 शिकायत आई हैं तो कम से कम 200, 300, 400, 500 का तो निपटारा हुआ होगा। अगर सीएम सिर्फ सीएम विंडो के भरोसे बैठ जाए तो देखिए एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना ज्यादा संचार माध्यमों से जो मीडियम्स हैं उनको यूज करें ताकि आप ज्यादा के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो लोगों के साथ बना सके। पवन सैनी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए फोन लाइन पर। पवन जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए जी। पवन जी, सीएम ने आज ट्विटर पर 1 घंटा लोगों से बात की, उनकी परेशानियों को सुना, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहा है कि आपने पहले की परेशानियां तो दूर नहीं की, आप तमाम कोशिश कर रहे हैं, आप सीएम विंडो के जरिए शिकायतों को सुन रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, तो क्या जो पहल ये की गई है इसके जरिए क्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या जो सारी शिकायतें हैं वो एक साथ ले ली जाएंगी, बात चाहे सीएम विंडो के जरिए करें या जनता दरबार के जरिए कीजिए, तमाम मुहिमों के जरिए आप शिकायतें बस सुन रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, समाधान कब होगा? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री को पूरे हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रकार से हजार लोगों से बातचीत की। देखिए मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ जी, पेशेंट को देख करके तुरंत बिना पूछे और दवाई लिख दे उसके इलाज होने में अलग फर्क होगा, लेकिन डॉक्टर उसको आराम से सारी बीमारी उसको प्यार से सुन भी लेगा, वो कहता है मेरा आधी बीमारी तो वैसे ठीक होगी। देखिए पहली बार सीएम विंडो खोली है, सीएम विंडो से कितने हजारों लाखों लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, आप देखोगे कम शिकायतों का निपटारा हुआ। अरे भाई कम तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, लोगों कुछ आस तो जगी है, लेकिन आस जरूर जगी, लेकिन पवन जी, पवन जी, आस जरूर जगी है लोगों की, लेकिन उन लोगों की उम्मीदें टूटी भी हैं जिनकी शिकायत पर कोई अमल नहीं किया गया। इतिहास में पहली बार हुआ एक व्यक्ति को ये एहसास हुआ, मैं अपनी पीड़ा को अपनी शिकायत को मुख्यमंत्री जी के सामने कह सकता हूँ। इसलिए हजारों की संख्या में जो सीएम विंडो पे दरखास्त आई है, शिकायत आई है, उनका निपटारा। चलिए आपको पवन जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अंबाला से बड़ी खबर, अंबाला छावनी पर बम की खबर मिली है, तो अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जो आप बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। अंबाला कैंट से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये सूचना दी गई है कि वहां पर बम रखा गया है, जिसके बाद जो बम निरोधक दस्ता है वो मौके पर मौजूद है। तो अंबाला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बता रहे, पठानकोट हमले में जिस तरीके से आतंकियों ने निशाना पठानकोट बेस को बनाया था, उसके बाद अंबाला की सुरक्षा भी और ज्यादा बढ़ा दी गई थी रेलवे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना मिली है, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर आपको बता दें कि पहुंच गया है, उसको बुलाया गया है बम निरोधक दस्ते को। तो अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी बताया कि आखिर किस तरीके से पठानकोट एयरबेस में जब हमला हुआ था तो लगातार जो सुरक्षा थी पूरे प्रदेश की बढ़ा दी गई। कमलप्रीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। कमलप्रीत, बम की सूचना कब मिली, किस कैसे मिली अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर, और क्या बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है? देखिए बिल्कुल, से थोड़ी ही देर पहले जो है यहाँ पर हमारी टीम पहले ही अंबाला छावनी स्टेशन पर मौजूद थी, क्योंकि आरपीएफ के डीजीपी ने आना था, और इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर मिली कि आरपीएफ को सूचना मिली दिल्ली की इंटेलिजेंस टीम से कि अंबाला छावनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो है वो बम रखा गया है, जिसके बाद तुरंत आरपीएफ ने जीआरपी को इस घटना की जो है वो सूचना दी कि इस तरीके की सूचना जो है वो आई है, और उसके बाद मौके पर आरपीएफ के जो स्नीफर डॉग है वो मौके पर बहरहाल
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आरपीएफ उनके साथ मौजूद है। मेटल डिटेक्टर से जो सामान जो है वो खंगाला जा रहा है, और साथ ही जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मौजूद थे उनको सबको जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भेज दिया गया है, और उसके बाद बारीकी से स्टेशन खंगाला जा रहा है। हालांकि हरियाणा पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है, और थोड़ी ही देर में बॉम्ब स्क्वाड टीम और बॉम्ब डिफ्यूजर टीम जो है वो अम्बाला छावनी स्टेशन पर आएगी। यहाँ मैं बता दूं कि पहले भी कई बार इस तरीके की सूचना जो है अम्बाला छावनी स्टेशन पर आ चुकी है, लेकिन देखना होगा कि अब आगे जो है क्या होगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका कमलप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो तलाशी लगातार प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए जा रही, क्योंकि सूचना ये दी गई है कि अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर किसी ने बम रखा है, जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार वहां पे चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, आरपीएफ लगातार वहां पर है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो बम निरोधक दस्ता है वो भी अब से कुछ ही देर में वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो लोग वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर अम्बाला छावनी से दिखा रहा है, जहां पे बम मिलने की सूचना दी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि जो सुरक्षा एजेंसीज है सुरक्षा के तमाम जो कदम है वो वहां पर और ज्यादा पुख्ते तौर पे उठाए जा रहे थे। जो पठानकोट एयरबेस में हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस सब के बीच अम्बाला छावनी से बड़ी खबर ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 अम्बाला कैंट के रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बम किसी ने रखा है, और इस सूचना के आधार पर अब लगातार यहां से चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी अब से कुछ ही देर बाद वहां पे पहुंच जाएगा। हालांकि जो वहां पे चीजें हैं उनको खंगाला जा रहा है, चेकिंग लगातार वहां पे की जा रही है, जो लोग हैं उनको शिफ्ट वहां से कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म 3 पर जितने भी लोग थे उनको वहां से हटाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म 1 पे भेजा जा रहा है, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो किसी की भी जान को खतरे में ना डाला जाए। इसके मद्देनजर तमाम जो एहतियातन तौर पे कदम बरतने की जरूरत है वो जरूर यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आरपीएफ के हमारे जवान हैं वो लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप यहां से जो आइए प्लेटफॉर्म 1 पे आपको जाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म 3 को खाली कराया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं, इस तरीके की सूचना मिल चुकी है, लेकिन अब जो ये खबर मिली है उस खबर के बाद जाहिर सी बात है जो होश है वो जरूर सुरक्षा एजेंसियों के उड़ गए हैं। पठानकोट एयरबेस में लगातार हम देख रहे थे कि आतंकी हमले से पूरे देश को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो इसके लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं, और यहाँ पर अब तलाशी लगातार ली जा रही है। और बड़ी खबर में वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से फौरन लौटेंगे, और उसके बाद बड़ी खबर के अपने आज के मुद्दे पर आगे करेंगे चर्चा। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। तो सी
पीएम अब ऑनलाइन जा रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश अब ट्विटर के जरिए भी की जा रही है, क्योंकि जमाना सोशल नेटवर्किंग साइट्स का है, लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हरियाणा में बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, और अगर इंटरनेट होगा भी तो शायद ट्विटर का इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आएगा। अमित जी, आप ये कह रहे थे कि ये अच्छी पहल है, कोशिश अच्छी है, क्योंकि अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए लोगों से जुड़ते हैं तो एक कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है और लोग भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो गांव है जहां पर लोगों के पास इंटरनेट नहीं, लोगों को ट्विटर चलाना नहीं आता, फिर वो कैसी अपनी समस्याएं बता पाएंगे? क्या ये क्या एक बैकअप प्लान है कि सीएम विंडो पर जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो इंटरनेट के जरिए जुड़ जाएं? नहीं, देखिए प्रतिमा, इसमें एक बात कहना चाहूंगा मैं, हर सरकार जो आती है उसका एक अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। देखिए 1999 से लेके 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही थी, तो उन्होंने एक अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया था, वो था सरकार आपके द्वार एक प्रोग्राम। उसमें क्या था कि हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए वो एक सभा आयोजित करते थे हर 6 महीने में, तो उसमें वहाँ के गणमान्य व्यक्ति और पूरी ब्यूरोक्रेसी और सारे जो जनता के नुमाइंदे इकट्ठे हुआ करते खुद सीएम के साथ, तो वहां पे वो रूबरू होते थे, भाई कोई समस्या हो तो बताओ। तो एक तो ये मॉडल जो था सक्सेसफुल था, तो इस तरह के मॉडल प्रयोग में लाए जा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर वहां पे सोशल मीडिया कम है तो। और दूसरी बात क्या है कि आज का जमाना, मैं फिर ये कहूंगा कि ई गवर्नेंस का जमाना है, सरकार को बजाय इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है। आप इसको इस तथ्य को भी ध्यान में रखें, अगर सारा तामझाम किसी गांव में लेके जाएगी सरकार तो उसमें लाखों का खर्च आएगा, तो इसमें खर्च ना के बराबर है और समस्याएं सारी सुनी जा सकती हैं। चलिए, ई गवर्नेंस का जमाना, लिहाजा उसी दिशा में ये कदम लिया गया। लेकिन हमारे साथ एनएलओ विधायक बलवान सिंह जी भी फोन लाइन पर हैं। बलवान जी नमस्कार। बलवान जी सुन पा रहे हैं? हाँ। बलवान जी, सीएम मनोहर लाल खट्टर का ट्विटर पर जाना, एक घंटा ऑनलाइन रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इससे हरियाणा की जनता का कम से कम परेशानियां जो हैं वो कम हो पाएंगी? उनका ट्विटर पे जाना, इनेलो पार्टी जो पहले कहती थी कि पूंजीपतियों की और बड़े बड़े उद्योगी घरानों की पार्टी है, आज सीएम ने एक घंटा ट्विटर पे ऑनलाइन रह के ये साबित कर दिया, क्योंकि ट्विटर तो बड़े बड़े उद्योगपति चला सकते हैं, गांव में खेतों में खलिहान में रहने वाला व्यक्ति क्या जानता है ट्विटर। अगर ये मुख्यमंत्री वास्तव में जनता के प्रति संवेदनशील है, ईमानदार है, तो इसे जननायक चौधरी देवीलाल जी की तरह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाना चाहिए। जिस तरह से जननायक घूमते थे सड़कों पे, अगर कोई गर्भवती स्त्री मिलती तो उससे रोक के गाड़ी पूछते थे कि आपको दूध मिलता है कि नहीं मिलता, अगर वो कहते नहीं मिलता तो वो जाके कहते थे अभी आज चंडीगढ़ जाके जननी योजना शुरू करूंगा, और उन्होंने चंडीगढ़ जाते इस तरह की योजना शुरू करी थी। इसी तरह बुजुर्गों से पूछते थे आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करते थे। इसी तरह किसानों से पूछते थे, कर्मचारियों से पूछते थे, कमेरे वर्ग से पूछते थे। लेकिन ये मनोहर लाल सरकार तो जान करके टाइम वेस्ट कर रही है, हरियाणा सरकार का पैसा बर्बाद कर रही है, और ई गवर्नेंस, डिजिटल हरियाणा, विंडो, इस तरह के नामों से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो लोगों को गुमराह करने का काम ये प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि शायद इस सच्चाई से सरकार समझ में नहीं पा रही कि वाकई में जो लोग हैं आज भी हरियाणा के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं। बेहद शुक्रिया बलवान जी आपका हमसे बात करने के। अमित जी, आपके फाइनल कमेंट्स इस पर लेना चाहूंगी, क्या वाकई में ऐसा है जो तमाम आरोप लगा रहे थे? हालांकि वो तो राजनीति से प्रेरित जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं उनके लिए आपके पास क्या बैकअप प्लान है, वे उनकी समस्याएं कैसे दूर करेंगे, और जो ऑलरेडी पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं आप उनको कैसे दूर करेंगे? और देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है महत्वपूर्ण कार्य का, वो फॉलो अप का है। अब फॉलो अप कैसे करते हैं, जैसे सीएम विंडो है तो सीएम साहब को चाहिए कि फॉलो अप करवाएं कि समस्याएं क्यों अधूरी पड़ी हैं। और देखिए, मेरा एक और भी मानना है थोड़ा सा इतर कि हर समस्या समस्या हो ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जानबूझ के शिकायतें डालते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। अगर कोई मेरी शिकायत करे झूठी और सरकार उस पर बिना सोचे समझे कार्रवाई करते तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो इस तरह की चीजों है वो भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि हम आलोचना
के लिए ही आलोचना ना करें, एक पॉजिटिविटी की तरह ले इस चीजों को। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि फॉलोअप ले, और रही ग्रामीण क्षेत्रों की बात, तो उसमें छोटे छोटे आप सभा आयोजित करके उनकी समस्याएं जान सकते हैं, विधायकों के थ्रू जान सकते हैं समस्याएं, सरकार अगर चाहे तो। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक मजबूत जो मनस्थिति है वो होना बेहद जरूरी है। चलिए, मजबूत मनस्थिति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसी के बाद ही कि एक सब कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी स्टूडियो में आने के लिए, इस पर चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो भले ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ट्विटर पर एक घंटा आज ऑनलाइन रहे हो, लोगों की समस्याओं को सुना हो, लेकिन हकीकत एक ये भी है कि हरियाणा में बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली तक नहीं है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल तो वो कैसे ही कर पाएंगे, और इंटरनेट होगा तो ट्विटर चलाना उन्हें आता नहीं होगा। तो जरूरत इस बात की कि सबका ख्याल जाए, सबका साथ सबका विकास की बात जरूर कही गई थी, लेकिन सबका साथ कैसे हो पाएगा जब आप कुछ लोगों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सारे लोग इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, ट्विटर नहीं यूज कर सकते। तो जरूरत यह है कि आप सबको ध्यान में रखें और उसके बाद कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए जिसका फायदा पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उठा सके, तभी कुछ फायदेमंद रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और तभी प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा। इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।